मेरे पीछे जो आप ये पुल देख रहे हैं, ये बहादुरपुर ब्लॉक के बैजीपुर गांव में बनाया गया है। लेकिन इस पुल पर चलने के लिए या चढ़ने के लिए आपको अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये पुल तो बना दिया गया है लेकिन ये पुल हवा में झूल रहा है। और आप देखिए कि इस पुल पर चढ़ने के लिए ये जाली नुमा एक यहाँ पर लोगों ने जुगाड़ का सहारा लिया है और इस पे चढ़कर पुल के ऊपर जाते हैं लोग, और उसके बाद उतरने के लिए भी इसी तरीके से जुगाड़ वाला यहाँ पर व्यवस्था बनाया गया है। तो वर्ष 2021 अप्रैल में इस पुल को बनाने की शुरुआत हुई थी और जून 2022 में इस पुल को बनाकर कंप्लीट कर देना था, आम लोगों के चलने के लिए इस पुल को सौंप देना था। लेकिन लगभग 6 महीने बीत चुके हैं और ये पुल अप्रोच ना बन पाने की वजह से हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। और लगभग 13 करोड़ 78 लाख रुपए की ये पुल की लागत थी और जो किसानों की जमीनों को अधिग्रहण करना था उसको लेकर विवाद हो गया है। अब पुल तो बना दिया गया लेकिन पुल के अप्रोच का जो काम है वो अधूरा है और जिस वजह से आम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर आने जाने को इस पुल से मजबूर हैं। अब देखिए कि किस तरीके से इस पुल पे लोग जाते होंगे। एक जाली नुमा यहाँ पर लोगों ने एक अप्रोच बनाया हुआ है और इसी के सहारे जो लोग हैं वो इस पुल पर चढ़ते हैं और उसके बाद दूसरी तरफ भी इसी तरीके से जुगाड़ का सहारा लेके पुल पर लोग उतरते हैं। तो ये एक जुगाड़ का सहारा लिया गया है जान जोखिम में डालकर। जो आसपास के गांव के लोग हैं, लगभग दर्जनों गांव के लोग हैं, उस पुल से आने जाने को मजबूर हैं। करोड़ों रुपए खर्च सरकार ने तो खर्च कर दिया लेकिन ये पुल गांव के लोगों के लिए, ग्रामीणों के लिए, आम लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।